हेलो, गुड इवनिंग. हेलो बेटा, कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन. क्लास की आज? आर वी ऑल हियर? हम हैं सारे लोग क्लासरूम में. यस, लेट मी नो इफ यू कैन हियर माय वॉइस. मेरी आवाज अगर आपको आ रही है तो मुझे बताइएगा प्लीज. कैन यू हियर मी बेटा? मेरी आवाज आ रही है आपको? कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस, फर्स्ट क्लास. थैंक यू. ओके, सो आई वाज आस्किंग हाउ आर यू, कैसे हैं आप और कैसा रहा आपका दिन? इट्स बिकम वार्म, ह्यूमिड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है. कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, अच्छे से पानी पीजिए, खूब सारा पानी पीजिए. एंड कोरोना का टाइम भी है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. एंड लेट्स स्टार्ट विथ टूडेज सेशन. एंड आई वेलकम यू टू लेट्स क्रैक सीबीएसई साइंस. तो हमारा प्लेटफॉर्म क्या है? ऑफ कोर्स आपको पता है, इट इज लेट्स क्रैक सीबीएसई साइंस बोर्ड एग्जामिनेशंस अंडर द प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन. जहाँ पे हम आपको क्या कर रहे हैं, जहाँ हम आपको तैयार कर रहे हैं आपके बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए. साइंस स्ट्रीम के जितने बच्चे हैं, आप जितने हैं बेटा, वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. एंड फटाफट से एक मैसेज डालो अपने फ्रेंड्स को, उनको भी बोलो आने के लिए. शेयर द लिंक विद देम, एनकरेज देम टू ज्वाइन द क्लास. यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग मी नाउ, आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर. माई नेम इज डॉक्टर यामिनी सिंह एंड आई हैव डन माई PhD. आपको मैंने बताया था मैंने PhD किया है. एंड फॉर पास्ट 15 ईयर्स आई हैव बीन इन टू टीचिंग प्रोफेशन. जहाँ अब तो मुझे लगता है आप मेरे बारे में मेरे से ज्यादा जानते हो. माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड माई वर्क एक्सपीरियंस ऑल्सो विल मूव फर्दर बेटा. क्रैक CBSE क्लास 12th विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म क्या है? यहाँ पे, यहाँ पे हम आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं दैट वंस यू गेट कनेक्टेड विद अस, आपको हम इतना थरो पढ़ाई कराते हैं, इतना थरली विल टीच यू दैट यू आर ऑल सेट टू क्रैक एंड अटेम्प्ट योर बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर्स विथ फुल कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज. कॉन्फिडेंस फॉल्स नहीं है, प्रॉपर होगा, बिल्कुल सही होगा. बिकॉज हम आपको बहुत सारी प्रैक्टिस कराएंगे, बहुत सारा सिलेबस आपका कवर करा देंगे. एंड व्हाट आर यू गोइंग टू डू, यू हैव टू गेट द सब्सक्रिप्शन फॉर द सेम. वी गिव यू डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस. टेस्ट और क्विज तो आपने देखा ही है, टेस्ट मैंने अभी तक आपको नहीं दिया है. बट क्विजेस ऑल माई क्लासेस, बी इट इंट्रोडक्शन ऑफ योर सिलेबस से लेके कल जो हमने पोइट्री थोड़ी सी स्टार्ट करी थी, यहाँ तक के हर क्लास में आई ट्राई एंड गिव यू क्विजेस एंड MCQ. मेरा ये कोशिश होती है दैट नॉट इवन अ सिंगल पेज इज गॉन विदाउट रिविजन. सिमिलरली इट इज इन द केस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स दैट यू आर गोइंग टू गेट सब्सक्रिप्शन फॉर. एक सब्सक्रिप्शन है विच विल केटर टू ऑल द सब्जेक्ट्स. वहाँ पे भी आपको लाइव टेस्ट और क्विजेज होंगे एंड बिलीव मी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. देन वी हैव आवर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज. हमारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में क्या होता है, हमारा कोर्स इस तरह से स्ट्रीमलाइन किया हुआ है दैट वी केटर टू योर बोर्ड पेपर कम्प्लीटली. आपको कहीं भी कुछ और एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, हेल्प लेने की जरूरत नहीं है. बिकॉज वी आर देयर टू टेक केयर ऑफ योर सिलेबस एंड योर स्टडीज. एंड देन अनलिमिटेड एक्सेस, लाइक आई टोल्ड यू, ओनली वन सब्सक्रिप्शन एंड यू गेट एक्सेस टू ऑल आवर लाइव क्लासेस एज वेल एज रिकॉर्डेड क्लासेस. आप रिकॉर्डेड क्लास को भी कभी भी एक्सेस कर लीजिए जस्ट फ्रॉम वन डिवाइस. किसी भी डिवाइस पे आपने इंस्टॉल करके रखा है अन अकेडमी लर्निंग ऐप और सब्सक्रिप्शन लिया है, तो दिस इज माई यूट्यूब क्लास. एंड देन नाइट 10 PM आई हैव माई लाइव क्लासेज ऑल्सो, जहाँ पे कि इंटरैक्टिव सेशन होता है, हमारे बच्चे होते हैं वहाँ पे. वी हैव क्वेश्चन आंसर सेशन, हम वहाँ पे थ्रू चैट वी डिस्कस थिंग्स. तो विल बी वेटिंग देयर फॉर यू, ज्वाइन जरूर कीजिएगा. लाइक आई टोल्ड यू लाइव क्लासेस, दीज लाइव क्लासेस, लाइव क्लासेस में आपको ये सारे टीचर्स मिलेंगे. आई एम ऑल्सो देयर एंड आई एम टेकिंग इंग्लिश. तो आप ज्वाइन कीजिए, एक्सेस कीजिए और देखिए, समझिए एंड एनकरेज योर अदर फ्रेंड्स ऑल्सो टू सब्सक्राइब.
We are giving you maths, physics, biochemistry, economics. These are the streams that you are going to get access to जब आप एक प्रोग्राम के लिए सब्सक्राइब कर लेते हैं. एंड हाउ डू यू डू इट? थ्रू अन अकेडमी लर्निंग ऐप. आपने करना क्या है? वॉट यू सपोज टू डू इज यू हैव टू इंस्टॉल द अन अकेडमी लर्निंग ऐप इन योर डिवाइस एंड देन यू कम टू दिस पेज. वी प्रोवाइड यू 30+ आवर्स ऑफ लाइव सेशंस एवरी डे. हमारी क्लासेस डेली होती हैं. अभी मैं आपके साथ लाइव क्लास में हूँ एंड देन यू विल ऑल्सो फाइंड वहाँ पे लिंक में दैट देयर आर अनदर क्लासेस ऑल्सो गोइंग ऑन. देन यू हैव आई टोल्ड यू वी हैव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज. नथिंग इज हैपजर्ड एंड वी डील इन बोथ द लैंग्वेजेस. वी स्पीक वी हैव इंग्लिश लैंग्वेज क्लास ऑल्सो एंड वी हैव टीचिंग एंड ट्यूटोरियल्स इन हिंदी एज वेल. इट्स बाइलिंगुअल एंड इन single languages also. So either way, whichever way you are comfortable, you can access those classes and learn with us. We have 14 plus top educators in only learn. Let's crack. CBSE में सिर्फ आपका साइंस का जो स्ट्रीम है उसके लिए वी हैव 14 टॉप एजुकेटर्स एंड सिमिलरली वी हैव अदर प्रोग्राम्स ऑल्सो जिसमें हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं आपके हेल्प करने के लिए. देन वी हैव न्यू कोर्सेज पब्लिश्ड एवरी मंथ. ऑल यू हैव टू डू इज Here, get subscription wale green button pe you have to click and subscribe. We are also available on Telegram app. Telegram app apne phone mein download kijiye. You see the link over here. Is link ko aap yahan pe paste kijiye, type kijiye, download the app and then you're good to go with us. You will find test papers, you will find notes, everything you can get access to here through Telegram app as well. हमारे टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे आपको इन सारी क्लासेस में. बी इट लाइव बी इट रिकॉर्डेड यू कैन गेट एक्सेस टू ऑल दीज टीचर्स एंड प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर. एंड हाउ डू यू गो अबाउट इट? कैसे करना है? बहुत ही सिंपल है. इसमें यू हैव टू गो फॉर 12 मंथ्स कोर्स क्योंकि बोर्ड का पेपर होता है, एक साल का है. अभी भी लेट नहीं हुआ है. आई सजेस्ट बेटा कि आप अभी भी सब्सक्राइब कीजिए. अपने फ्रेंड्स को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए बिकॉज जो भी स्टडी मटेरियल अभी तक के हैं हमारे पास में, आप आज भी सब्सक्राइब करेंगे आपको वो सारा सारा मटेरियल जो है एक साथ ही मिल जाएगा. यू विल गेट एवरीथिंग एंड देन ऑन द बॉटम ऑफ द स्क्रीन यू कैन सी माई रेफरल कोड हियर. इट इज YAMINI1. इस वाले रेफरल कोड को आपने यहाँ बॉक्स में डालना है एंड देन यू प्रोसीड टू पे. वॉट हैपन्स हियर इज दैट you are getting 10% off. So the regular fee is 12,500 but जब आप यहाँ पे आके referral code use करते हैं you get 11,250 to pay. इससे ज़्यादा आपको pay नहीं करना है but it's a limited period offer. Don't wait for it. Go join and encourage, motivate your friends also to join. So moving on to today's section. कल हमने poetry की थी. If you remember कल हमने poetry की थी. I'll give a क्विक रिकैप ऑफ पोएट्री. कल हमने इंट्रोडक्शन किया था पोएट्री का. टुडे आई एम गोइंग टू डू इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन के साथ में आपके फ्लेमिंगो बुक का जो पोएट्री है दैट ऑल्सो आई स्टार्ट विथ. अगर टाइम ने परमिशन दिया तो विल हैव अ लॉन्ग क्लास, अदरवाइज एटलीस्ट विल हैव इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम ऑल्सो. बी रेडी लाइक आई ऑलवेज टेल यू, स्टे फोकस्ड and sit with your pen and paper so that you can note down the important points. I'll be waiting for your question answers also. So be ready with the questions. To start with, poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected in tranquility. Beautiful words by William Wordsworth. जिनका ये मानना था कि poetry जो होती है हमारे जो strong emotions होते हैं उनका expression होता है and non-stop expression of those feelings and it takes its origin from emotion recollected in tranquility. Happiness में जो emotions हमारे emerge होके आते हैं poetry वहां से निकलती है. Okay. कल के क्लास के बाद का एक छोटा सा क्विज है हमारे पास में एंड आई वुड लव इफ यू अटेम्प्ट इट. सो द फर्स्ट इज द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोएट्री और प्रोज. शॉर्ट स्टोरी. ओके, सो द शॉर्ट स्टोरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोएट्री प्रोज बोथ. तीनों में से किसका है? यस, आई एम वेटिंग फॉर आंसर्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Which follows a more specific form and structure? किसका है? पोइट्री है, प्रोज है, और इट इज बोथ. विच एलिमेंट ऑफ लिटरेचर फॉलोज अ स्पेसिफिक फॉर्म एंड स्ट्रक्चर? ओके, विल मूव टू द आंसर्स. द फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोएट्री और प्रोज. शॉर्ट स्टोरी किसका एग्जाम्पल है? यस, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोज. विच फॉलोज अ मोर स्पेसिफिक फॉर्म एंड स्ट्रक्चर? किसका ज्यादा स्पेसिफिक फॉर्म और स्ट्रक्चर होता है? अगेन प्रोज. नेक्स्ट, विच अकर्स इन टू फॉर्म, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन? मैंने प्रोज के क्लास में डिस्कशन किया था, पोएट्री में भी मैंने ये कल डिस्कस किया था. सो यू हैव टू टेल मी कि फिक्शन एंड नॉन फिक्शन फॉर्म में कौन आता है. पोएट्री आती है, वेदर इट इज पोएट्री, वेदर इट इज प्रोज, और वेदर इट इज बोथ. वॉट आर दे, विच कैटेगरी वुड दे फॉल इन, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन? ओके, विच यूजेज एक्सट्रीमली कंसाइज चार्ज्ड लैंग्वेज? Extremely concise, charged language कौन use करता है? Poetry, prose और both? Okay, your answer for the first one, that is which occurs in two forms, fiction and non-fiction में कौन आता है? So that is prose. Which uses extremely concise, charged language? That is poetry. Next, which uses figurative language? Poetry, prose or both? And which uses sensory detail? Sensories, that is related to your senses, five senses. तो वो किससे related होता है, किसको incite करता है? So it is both. It is prose and poetry both. Literature is an art. Art is always related to your senses, be it your visual sense or be it your sense of touch, be it your sense of feeling. जो भी है, it is related to, art is related to senses. What is poetry? ये हमने कल डिस्कस किया था. I'll give a quick revision. Poetry is a type of literature based on the interplay of words and rhythm. It offers आपको. These are set of rules governing the number and arrangement of syllables in each line. In poetry, words are strung together to form sounds. Okay, so the opposite of poetry is prose. That is a normal text that runs without line breaks or rhythm. जैसे हमने prose में discuss किया था आपके साथ में पहले भी, that prose में क्या होता है? It's a text. कहीं भी break नहीं होता है. I mean, when the sentence closes, of course you'll have break. लेकिन poetry में क्या होता है? चार line के बाद एक break, चार word के बाद एक break आ जाएगा. There'll be break and then you move to the next line. जो प्रोज में नहीं होता, प्रोज एक कंटिन्यूटी में एक सेंटेंस एक पूरी मीनिंग के साथ आएगा. ओके, नाउ एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री एंड प्रोज, दिस इज गिवन हियर सो दैट वी कैन हैव अ कंपैरिजन बिटवीन बोथ. प्रोज हमने पहले पढ़ लिया है, टुडे वी आर डिस्कसिंग पोएट्री. सो द एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री आर मीटर, राइम, जो मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था. आई टोल्ड यू मीटर एंड राइम आर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री. सो यू हैव मीटर, rhyme, sound and rhythm. Then elements of prose, characters, setting, plot, point of view and mood. So beta, these are the important elements of poetry and prose. Ye aapke board ke paper mein, they can ask you question, meter kis element, there could be a fill up also asking you. या फिर आप आगे जब जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, सो स्पेशली इन नेट एग्जामिनेशन एंड ऑल दीज क्वेश्चंस आर ऑलवेज देयर, दैट वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ पोएट्री वुड बी और वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ प्रोज वुड बी डैश. सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड. ओके, वी हैव टू मेंबर्स इन द चैट रूम. Basis for comparison. So we'll have a small comparison between prose and poetry. Prose is a straightforward form of literature wherein the author expresses his thoughts and feelings in a lucid way. So prose क्या होता है? यहाँ पे thoughts and feelings जो होते हैं author के या writer के, बहुत ही smoothly उसको express कर दिया जाता है.
where in poetry it will be rhythmic. I told you rhythm होना और music होना poetry की खासियत होती है. उसके बिना poetry बहुत ही empty लगेगी. So this is what poetry has. Language in prose would be straightforward, where in poetry it is very decorated and expressive. That is why उसको पढ़ने में आपको बहुत you get a sense of relief. बहुत अच्छा लगता है. It plays on your imagination. Nature, pragmatic and imaginative. Imagination होता है poetry में. Essence, message और information होगा. प्रोज में प्रोज हमेशा किसी मैसेज के साथ होता है, किसी इंफॉर्मेशन के साथ होता है. वेर इन पोएट्री पोएट्री इज रिटन बाय पोएट हु वांट्स टू शेयर हिज और हर एक्सपीरियंस. उसमें एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ होता है. ओके, देन पर्पस. व्हाट इज द पर्पस? पर्पस इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और टू कन्वे अ मैसेज. लाइक आई टोल्ड यू, इसमें प्रोज में मैसेज होता है. तो प्रोज का पर्पस ही होता है एक तरह का मैसेज, चाहे वो आपके सोशल नॉर्म्स के बारे में हो, सोशल वेलबींग के बारे में हो, सोशल इश्यूज से रिलेटेड हो. तो इन सारी चीज़ों से, सोसाइटी से, वर्ल्ड से, ह्यूमैनिटी से, इन सारे से रिलेटेड मैसेजेस होते हैं विच आर कन्वेड थ्रू प्रोज. वेर इन मेन पर्पस ऑफ पोइट्री इज टू डिलाइट और अम्यूज. एक मैसेज भी मिलेगा आपको, बट द बेसिक एम इज टू एंटरटेन द और अम्यूज द रीडर. Ideas can be found in sentences which are arranged in paragraph. Ideas can be found in lines which are arranged in stanza. So there are two things. यहाँ पे ideas कैसे convey किए जाते हैं, that is one point, and the other point is paragraph. What happens in a prose, you'll find that they are written in paragraph, और पूरे paragraph में वो idea convey होगा. One particular idea will be conveyed in that paragraph. वेर इन केस ऑफ पोएट्री मैंने बहुत बार देखा है, इट हैपेंस. आपने भी सुना होगा, आपके क्लास में टीचर चेक करते होंगे, आपके फ्रेंड्स बोलते हैं दे कॉल पैराग्राफ इन पोएट्री, वेर इन इट इज रॉन्ग. पोएट्री में कभी पैराग्राफ नहीं होता है, पोएट्री इज ऑलवेज इन स्टैंजास एंड प्रोज वुड बी इन, यस प्रोज वुड बी इन पैराग्राफ्स. तो भूलना मत इसको, याद रखना हमेशा. एंड इन द मीन टाइम, इसके पहले कि हम फर्दर अपने सिलेबस के लिए प्रोग्रेस करें, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आई टोल्ड यू, अपने फ्रेंड्स को बताइए, लाइक दीजिए, शेयर कीजिए इसको, इस वीडियो को. लाइन ब्रेक, देयर वुडंट बी एनी ब्रेक इन लाइन, वो कंटिन्यूटी में होती है. क्योंकि अगर प्रोज में लाइन ब्रेक होगा तो आइडिया डिसकंटिन्यू हो जाएगा. पोएट्री में लाइन ब्रेक हो जाती है, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो एक लाइन कंटिन्यूटी में जाए, फुल स्टॉप पे चेंज हो. देयर लाइन इन बिटवीन ब्रेक करके नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाती है. Paraphrasing is possible. Exact paraphrasing is not possible here in poetry. So this was the comparison of your poetry. Be very alert. मैंने आपको पहले भी बोला है, मेरे हर क्लास में once I cover one sub topic, I give you quizzes. तो मैं कभी भी quiz दे सकती हूँ, उसके लिए आप ready रहना. And I would love when you answer. Okay. So this was the recap of what we had done yesterday in the previous class. Today we are going to start with our part 2. रेडी करें या ब्रेक लेना है? यू वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक, टेक अ स्मॉल ब्रेक फॉर से 1 मिनट. यू कैन ड्रिंक वॉटर एंड ऑल, एंड देन आई सी यू इन 1 मिनट. इन द मीन टाइम आई चेक माई चैट रूम ऑल्सो. ओके, सो ह्योर वी आर डीलिंग विथ, व्हाट आर वी डीलिंग, क्या है हमारे स्लाइड पे? इट इज टाइप्स ऑफ पोएट्री. प्रोज के टाइप्स भी पढ़े थे हमने, पोएट्री के भी टाइप्स पढ़ेंगे हम. ओके, सो क्या मिला हमें यहाँ पे? व्हाट हैव वी गॉट? वी हैव गॉट हियर, यस वी हैव हियर काइंड्स ऑफ पोएट्री और जॉन्स ऑफ पोएट्री. फर्स्ट वन हियर इज नरेटिव पोएट्री. पहला आपका है नरेटिव पोएट्री. नरेटिव नरेशन से आता है, जिसका मतलब होता है सुनाना, बताना, बांचना, दैट इज नरेटिव. एंड देन यू हैव ड्रामेटिक पोएट्री, जिसमें सेंस ऑफ ड्रामा बहुत ज्यादा होगा. एंड देन यू हैव लिरिकल पोएट्री, म्यूजिकलिटी होती है, इसमें म्यूजिक होता है. द लाइन्स आर रिटन इन सच अ वे कि आपको उसमें सेंस ऑफ म्यूजिक ऑटोमेटिकली फील होता है. तो व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ पोएट्री? क्या है 3 टाइप? क्विकली जल्दी बताओ. इट इज नरेटिव पोएट्री, इट इज ड्रामेटिक पोएट्री, एंड इट इज लिरिकल पोएट्री. ओके, टू स्टार्ट विथ नरेटिव पोएट्री क्या है?
क्या होता है? मैंने आपको एक रफ आइडिया, वर्ड का मीनिंग मैंने आपको समझाया था. आई टोल्ड यू व्हाट इज नरेटिव पोएट्री. तो नरेटिव का मैंने आपको मीनिंग बताया था, ठीक है. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस. नरेटिव पोएट्री, इट इज अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी. आई टोल्ड यू बांचना होता है, कहानी बताना होता है. अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी एंड हैज द एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी. ओके, सो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी? याद है प्रोज के एलिमेंट्स क्या थे? अभी भी डिस्कस किया था हमने. दे आर कैरेक्टर, सेटिंग और प्लॉट. दे हैव अ थीम, दे हैव अ मैसेज, इजंट इट? था ना? हाँ, एग्जैक्टली. सो दे विल हैव एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी बट इन पोएटिक फॉर्म. ऑफन नरेटिव पोएम्स हैव अ राइम स्कीम. तो इसमें राइम स्कीम होगा. एंड देन वॉट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ अ नरेटिव पोएम? नरेटिव पोएम का सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल जो आपको याद रह जाएगा वो है द रेवन बाय एडगर एलन पो. इट्स अ वेरी फेमस पोएम. आप एक बार नेट पर सर्च करके देखना, इट्स ब्यूटिफुल वन. एंड इफ यू आस्क मी, तो आई वुड लाइक टू शेयर हियर कि मुझे नरेटिव पोएट्री बहुत अच्छी लगती. आई लव इट. देन यू हैव ड्रामेटिक पोएट्री. और मैंने कल की क्लास में भी आपसे डिस्कस किया था फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल वाली पोएम जो थी, विच इज देयर इन 10th स्टैंडर्ड. आपने पढ़ा होगा फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल, हाउ द इट गोज इन अ स्टोरी फॉर्म एंड हाउ द फ्रॉग एक्सप्लॉइट्स द नाइटिंगेल, और नाइटिंगेल की कैसे फिर लास्ट में डेथ हो जाती है बिकॉज नाइटिंगेल डिड नॉट अंडरस्टैंड हर ओन पोटेंशियल. आई होप यू रिमेम्बर दैट. सो वी हैव ड्रामेटिक पोएट्री. वॉट इज अ ड्रामेटिक पोएट्री? ड्रामा होगा डेफिनेटली. अ पोएम वेयर द स्पीकर इज समवन अदर देन द पोएट देमसेल्स. अ ड्रामेटिक पोएम ऑफन इंक्लूड्स कैरेक्टर्स एंड डायलॉग्स. ड्रामा है तो उसमें डायलॉग तो होगा ही. डायलॉग नहीं होगा तो यू विल नॉट फाइंड इट इंटरेस्टिंग. इट विल बिकम अ नरेटिव. अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ऑफन फ्रॉम अ फिक्शनल कैरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू. सो दिस इज वॉट अ ड्रामेटिक पोएट्री इज. ठीक है, जहां पे स्पीकर पोएट के अलावा कोई और स्पीकर होगा, जहां पे मोनोलॉग होगा, और मोनोलॉग आपका जो फिक्शनल कैरेक्टर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा. सो इफ यू वॉन्ट टू चेक वॉट अ ड्रामेटिक पोएट्री इज, हियर इज मीटिंग एट नाइट बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग. आप इनकी ये वाली पोएम को रेफर कीजिए. यू विल कम टू नो वॉट अ ड्रामेटिक पोएट्री इज एंड हाउ गुड इट इज टू रीड अ ड्रामेटिक पोएट्री. नेक्स्ट वी हैव सोनेट. सोनेट तो आपने 10th में भी पढ़ा है. आई बिलीव द मोमेंट दिस वर्ड सोनेट कम्स, सोनेट का नाम सुनते ही आपके मन में एक ही नाम आया होगा, दैट इज विलियम शेक्सपियर, जिन्होंने ड्रामा भी लिखा था, रोमियो जूलियट जैसे ट्रेजेडी लिखा था. एंड देन ही वॉज एन एक्सपर्ट इन सोनेट. वॉट इज अ सोनेट? द वर्ड सोनेट इज डिराइव फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो. इट मीन्स अ स्मॉल और लिटिल सॉन्ग और लिरिक. ये ऑफकोर्स इटली से आया हुआ वर्ड है जिसको कि मॉडिफाई करके सोनेट का नाम दे दिया गया. इनिशियली इट वॉज कॉल्ड सोनेटो एंड इट्स अ स्मॉल सॉन्ग और अ लिरिक. इन पोएट्री अ सोनेट हैज 14 लाइन्स. सो सोनेट विल बी ऑफ 14 लाइन्स. ईच लाइन हैज 10 सिलेबल्स. इट हैज अ स्पेसिफिक राइम स्कीम. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सोनेट. हाउ डू यू आइडेंटिफाई अ सोनेट? इसमें आपको 14 लाइन्स होंगे, हर लाइन में 10 सिलेबल्स होंगे एंड इट विल हैव अ स्पेसिफिक राइम स्कीम. इसमें एक स्पेसिफिक राइम स्कीम होगा. सो दिस इज वन पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट एंड दिस इज थर्ड वन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसको अगर आप दिमाग में रखोगे, याद रखोगे, द मोमेंट देयर इज अ पोएम इन फ्रंट ऑफ यू, आपके बोर्ड पेपर में सपोजिंगली देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट कैटेगरी वुड यू पुट दिस फॉलोइंग पोएम इन टू? अगर आपके पास ये वाला क्वेश्चन आ जाता है तो क्या करना है आपको? इन पैरामीटर्स पे चेक करना है. एंड वेन यू आर गिवन पोएम मीन्स दीज पैरामीटर्स, सो इट इज अ सोनेट. जनरली सोनेट्स आर डिवाइडेड इन टू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन द राइम स्कीम दे फॉलो. द राइम्स ऑफ अ सोनेट आर अरेंज अकॉर्डिंग टू अ सर्टन राइम स्कीम. The rhyme scheme in English is usually A B A B C D C D E F E F G G. So this is the rhyme scheme. Rhyme scheme वो होता है कि end of the line, जो आपका line का end है उसका जो sound है it has to be matching with the sound of the next line last word. ठीक है.
तो वो राइम स्कीम होता है। अगर नहीं मैच करता है तो वो अल्फाबेटिकल कैलकुलेशन उसका चेंज हो जाएगा। ए बी अगर सेम साउंड होता है दो लाइन के बीच में, वो सेम अल्फाबेट लेंगे, डिफरेंट साउंड होगा तो इट विल चेंज। दैट विल डिस्कस थ्रू एन एग्जाम्पल लेटर। हाइकू। हाइकू पोएम हैज इट्स अ स्मॉल पोएम, ये छोटा पोएम होता है। अ हाइकू पोएम हैज थ्री लाइन्स, वेयर द फर्स्ट एंड लास्ट लाइन्स हैव फाइव मोरास, व्हाइल द मिडिल लाइन हैज सेवन। The pattern in Japanese genre, it has come from Japan. Yes, haiku has come from Japan. The pattern in Japanese genre is 5-7-5. जैसे मैंने आपको बोला, first and last line जो होगा वो क्या होगा? First और last line जो होता है हमारा वो 5 होगा, 5 होगा, और middle line जो होगी हमारी वो 7 होगी। The mora is another name of a sound unit which is like a syllable, but it is different from a syllable. As the moras cannot be translated into English, they are modified and syllables are used instead. Okay? The lines of such poems rarely rhyme with each other. So, sonnet में rhyming होती है, इसमें rhyming नहीं होगी। So, haiku के बारे में आपको दो important बातें याद रखनी है। That haiku has is a three lines poem, जिसमें first और last line में moras होंगे and middle line will have seven. Okay? Elegy. What is an elegy? पढ़ा होगा, एक तो जरूर पढ़ा होगा। अ मेलैंकोलिक, मेलैंकोलिक इज सैड। अ मेलैंकोलिक पोएम इन विच पोएट लेमेंट्स द डेथ ऑफ अ सब्जेक्ट, हाउ एवर कंसोल्स टूवर्ड्स द एंड, इज कॉल्ड एन एलिजी। सो एलिजी जो होता है, इट्स अ मेलैंकोलिक, इट्स अ सैड पोएम, जहाँ पे पोएट जो होता है, जो भी सब्जेक्ट है जिसके बारे में लिखा गया है, उसकी डेथ को मोन करता है। ओके? और इसमें टुवर्ड्स द एंड कंसोलिंग भी होगी। एलिजी एंड अ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ एलिजी वुड बी कंट्री चर्च यार्ड। ओके? ही कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ले, द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉड्स हिज वेरी वे एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी नाउ। ओके? फ्री वर्स। व्हाट इज अ फ्री वर्स? इट कंसिस्ट ऑफ नॉन राइमिंग लाइन्स, इसमें राइमिंग नहीं होता है, मेट्रिकल पैटर्न नहीं होता है, बट एक नेचुरल रिदम आता है एंड इट इज गुड फन टू रीड पोएम्स रिटन इन फ्री वर्स। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, इसीलिए इसको फ्री वर्स बोलते हैं। बैलेड। अ बैलेड इज अ टाइप ऑफ नरेटिव पोएम दैट नरेट्स अ स्टोरी। बैलेड क्या होगा? बैलेड होगा एक नरेटिव। नरेटिव आई टोल्ड यू क्या होता है, नरेटिव होता है कहानी बताना। तो इट्स अ नरेटिव पोएम जो कि एक कहानी सुनाती है आपको। Often talks about folk or legendary tales. So, what is an important feature of ballad? Ballad का important feature आपका बेटा ये हो जाता है that it is again a narrative poem which will tell you a story. ठीक है, story बताता है ये आपको, और किससे related story बताता है? It would be a folk or legendary tale. Okay. It may take form of a moral lesson or a song. All right? This is what a ballad is. Limerick. Limerick, this is a type of humorous poem with five anapestic lines in which first, second and fifth lines have 3 feet and third and fourth have 2 feet with a strict rhyme scheme of AABB. So this you have to remember. लाइमरिक होती क्या है? इट्स अ ह्यूमरस पोएम विद फाइव एनापेस्टिक लाइंस, जिसमें कि फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ जो होगा आपका 3 फीट होगा, और थर्ड और फोर्थ जो होगा वो आपका 2 फीट होगा। ओड। ओड इज अगेन वी हैव बीन स्टडिंग सिंस क्लास 9th आई बिलीव। इट इज अ पोएम ऑफ नोबलिंग फीलिंग एक्सप्रेस्ड विद डिग्निटी एंड प्रेजेस फॉर सम पर्सन। ओड क्या होता है? ओड इज अ ट्रिब्यूट। ओड किसी को हम ट्रिब्यूट देते हैं, ठीक है, और उसमें अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं थ्रू डिग्निटी एंड प्रेजेस फॉर मे बी। इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू अ पर्सन। हम सिर्फ यहाँ पे पर्सन को ओड नहीं देते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट को भी बता सकते हैं, किसी इवेंट को बता सकते हैं, किसी आइडिया को बता सकते हैं, ठीक है। वी आर प्रेजिंग एंड पेइंग ट्रिब्यूट टू एनी ऑफ दीज। इट इज एग्जॉल्टेड इन टोन एंड फॉर्मल इन स्ट्रक्चर एंड कंटेंट। एपिक। एपिक आपको पता है?
एपिक स्टोरी की अगर मैं बात करूं आपसे तो हम रामायण और महाभारत की बात करते हैं, इजंट इट? तो इट्स अ लॉन्ग एंड नरेटिव पोएम. एपिक स्टोरी जो होती है वो आपकी रामायण और महाभारत को हम बोलते हैं. दे आर लॉन्ग नरेटिव स्टोरीज. तो इट्स अ लॉन्ग एंड नरेटिव पोएम दैट नॉर्मली टेल्स अ स्टोरी अबाउट अ हीरो और एन एडवेंचर. एपिक्स कैन बी ओरल स्टोरीज और कैन बी पोएम्स इन रिटन फॉर्म. Popular or ancient poetry is usually without definite author and slow in the development. Modern epic poetry has a definite author. Soliloquy. Spelling is wrong. Okay, so it is soliloquy. The speaker of the poem or the character in a play delivers a passage. The thoughts and emotions are heard by the author and the audience as well. Okay, so यहाँ पे एक स्पीकर होता है पोएम में या कैरेक्टर जो कि एक पैसेज डिलीवर करेगा और थॉट्स और इमोशंस जो है ऑथर और ऑडियंस दोनों को सुनाए जाते हैं. Cinquain. This is a five-line poem which also originated in Japan. तो आप मुझे बताइए which was the other poem which has come from Japan? Yes, it is haiku. Okay, three-line poem. There are many different variations of cinquain, including American cinquain, didactic cinquain, reverse cinquain, butterfly cinquain, and crown cinquains. तो इस तरह के cinquains हैं. वैसे आपको details में नहीं पूछा जाएगा, but it is required that you know कि cinquain होता क्या है. It's a five-line poem. Which is originated in Japan. Types of poetry we are done. Poetic devices in My Mother at 60. आपको पता है poetic devices क्या होते हैं? Poetic devices वो होते हैं which brings beauty to your poem. Okay. So literary devices होते हैं. ये सारे devices जो होते हैं, they are in both the work of literature. आपका prose हो, आपकी poetry हो, both of them will have literary devices. We will go to them step by step, one by one हम जाएंगे. And आज के लिए what we'll do? हम क्या करने जा रहे हैं? हम आज के लिए My Mother at 60 इसका हम poetic device discuss करेंगे. My approach would be what I'll do. I'll initially before I start with the text of the poem, I'll tell you इस poem में क्या-क्या poetic devices used हुए हैं and I will help you define them. I'll give you a short definition of the same. उसके बाद then I'll start with the text of the poem. और text को हम deal करने के बाद में simultaneously जैसे जैसे ये poetic devices आते जाएंगे I'll keep explaining you. That is I'll be using example from the poem itself. So my mother at 60. Okay. Type of figure of speech. Those which are based on construction, climax, anticlimax, those based on resemblance, simile, metaphor, personification, apostrophe, and those based on contrast, antithesis, and epigram. And contrast is something opposite to each other. Those based on association, connection, jisme hota hai, they would be metonymy and synecdoche. So these are your figures of speeches here. Rhyme scheme, a very important element of your poetry is rhyme scheme. What is a rhyme scheme? So before we read the definition, let's read this poem. Humpty Dumpty sat on a wall. Rhyme scheme, a very important Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty Dumpty together again. Okay. So, when we read this small nursery rhyme, इसमें हमने क्या देखा?
Wall, All the kings were wall, all the kings men, men again, would put ठीक humbly है? humbly तो together वॉल और फॉल दे हैव again. सिमिलर साउंड, इजंट इट? So तो when हम we इनको read all nursery rhyme, Kanika, ये मार्क करते हैं, wall, इजंट इट? मेन wall, अगेन, again. All or fall, they have similar sound. ओके. तो यू हैव ए ए बी बी, बिकॉज यहां पे साउंड बेटा, ये साउंड सिमिलर है आपका, है ना? Again. दे हैव सिमिलर साउंड. दिस इज वॉट राइम स्कीम इज अबाउट. आपके लाइन के एंड में जो वर्ड है उसका जो साउंड है, नेक्स्ट लाइन में जो वर्ड है उससे अगर ये साउंड सिमिलर है, इट विल हैव द सेम अल्फाबेट, और अगर डिफरेंट है तो ऑफ कोर्स इट विल हैव अ डिफरेंट अल्फाबेट. सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड आउट योर राइम स्कीम, द पैटर्न इन विच एंड राइम अकर्स. सो एंड राइम जो है आपका, जैसे अकर होगा उस पैटर्न को हम राइम स्कीम बोलते हैं. राइम्स आर टाइप्स ऑफ पोएम्स विच हैव द रिपीटेशन ऑफ द सेम और सिमिलर साउंड्स एट द एंड ऑफ टू और मोर वर्ड्स, मोस्ट ऑफन एट द एंड ऑफ द लाइन. दिस इज वॉट आई वॉज टेलिंग यू कि एंड ऑफ द लाइन में जो ये सिमिलर साउंड होता है वर्ड्स का, उससे हम राइम स्कीम बनाते हैं. दिस टेक्निक मेक्स द पोएम इजी टू रिमेम्बर एंड इट इज देयरफॉर ऑफन यूज्ड इन नर्सरी राइम. तो नाउ यू मस्ट हैव गॉट टू नो, अब आपको समझ में आया होगा कि नर्सरी राइम इतनी आसानी से याद क्यों हो जाती है, क्योंकि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साउंड्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, एक जैसा साउंड होता है, तो वो बच्चों को याद हो जाता है. ठीक है, विल मूव टू द नेक्स्ट वन. सिमिली 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 सिमिलर. ओके, इन अ सिमिली अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स व्हिच हैव हाउएवर वन पॉइंट इन कॉमन. सिमिली और सिमिली बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, सो आई विल बी लिटिल एलैबोरेट हियर. सिमिली में क्या होता है कि इट इज सिमिली और सिमिलैरिटी, इससे आप इसको याद रखना कि हम सिमिली का मतलब कि हम सिमिलैरिटी चेक कर रहे हैं. यहाँ पे कंपैरिजन होता है दो अलग चीजों, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन उनमें एक पॉइंट कॉमन होता है जिससे कि हम इनकी सिमिलैरिटी निकालते हैं. ठीक है, द सिमिली इज यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय वर्ड्स एज लाइक एज और सो. ये कॉमन वाले वर्ड्स होते हैं जिससे कि आप सिमिली को आइडेंटिफाई कर लेते हो. एज द हार्ट बीट आफ्टर द वॉटर ब्रोक्स, सो बीनीथ माई सोल आफ्टर द ओ गॉड. तो यहाँ पे सो का यूज किया हुआ है, ठीक है, जिससे कि यहाँ पे हमने सिमिली दिखाया है. टू बी मोर सिंपल, सिमिली का एग्जाम्पल, दिस पिज्जा इज एज कोल्ड एज आइस, माई डॉग इज एज स्मेली एज डर्टी सॉक्स. सी दीज आर टू डिफरेंट थिंग, डॉग इज डिफरेंट फ्रॉम सॉक्स, इजंट इट? लेकिन हमने इसमें क्या कॉमन निकाला है, द स्मेल, इजंट इट? तो ये जो स्मेल वाला फैक्टर है ये कॉमन है दोनों के बीच में, एंड द राइटर इज ट्राइंग टू से दैट दे आर इक्वली स्टिंकी. ओके, पिज्जा, पिज्जा के बारे में क्या बोल रहा है, इट इज एज कोल्ड, आइस कोल्ड होता है, एंड देन टू शो कि ये पिज्जा कितना खराब है, वी आर यूजिंग द वर्ड आइस, हम उससे कंपेयर करें, वी आर ट्राइंग टू शो द सिमिलैरिटी, एंड ऑफकोर्स द वर्ड एज इज देयर फॉर यू. पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन में आप देखो गो बाय द वर्ड person, इट्स अबाउट अ पर्सन, इजंट इट? पर्सोनिफिकेशन आता है वर्ड पर्सन से, एंड इट मीन्स इन पर्सोनिफिकेशन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नोशंस आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस. सो व्हाट हैपेंस इन पर्सोनिफिकेशन, आपका पोएट जो है वो क्या करता है कि वो किसी भी नॉन लिविंग चीज को लेता है, ठीक है, नॉन लिविंग चीज को लेगा वो और उसको लाइफ लाइक क्वालिटीज दे देता है, उसको लिविंग बींग, उसको इंसान वाली क्वालिटी दे देता है. ठीक है, नॉट ओनली नॉन लिविंग थिंग्स विच के नॉट मूव वॉक एंड टॉक, कोई भी ऐसी चीज होगी ना, सपोजिंगली ही कैन टेक एन एनिमल ऑल्सो, द पोएट कैन टेक अ ट्री ऑल्सो, कुछ भी लेके उसको ह्यूमन लाइक क्वालिटीज दे देता है, एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. ऑल राइट, तो लाइफ एंड इंटेलिजेंस इज गिवन टू दीज ऑब्जेक्ट्स. Personification occurs when the author or speaker gives human characteristics to non-human objects. Okay, तो non-human आपका कुछ भी हो सकता है. It can be see the lightning dance across the
डांस कौन करता है? ह्यूमन करते हैं. यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन किसका कर दिया? लाइटनिंग का. उसको ह्यूमन लाइक क्वालिटी दे दिया. ठीक है, सो यू आर डिस्क्राइबिंग अ थिंग एज इफ इट वॉज अ पर्सन. सिमिली पर्सोनिफिकेशन बेटा, ये सारी चीजें बहुत ईजी होती हैं समझने के लिए. आप ध्यान से सुनो और खुद से रिलेट करने की कोशिश करोगे, ऑटोमेटिकली इट विल कम टू यू. फॉर एग्जाम्पल, द ट्रीज स्क्रीम इन द रेजिंग विंड. कैन ट्रीज एक्चुअली स्क्रीम? नो, दैट इज अ ह्यूमन ट्रेट. जैसे लाइटनिंग डांस कर सकती है? नहीं कर सकती है, वो ह्यूमन ट्रेट है. सिमिलरली ट्रीज के नॉट स्क्रीम, बट यहाँ पे ट्री को ह्यूमन लाइक क्वालिटी दे दिया, एंड दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन ऑफ द ट्री. नो, दैट इज अ ह्यूमन ट्रेट. सो द यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन हियर गिव्स अ बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ द साउंड ट्रीज मेक इन अ स्ट्रॉन्ग विंड. तो ये हमारा तरीका होता है, या पोइट का तरीका होता है, टू कैच अटेंशन और चीजों को और भी ज्यादा अच्छा डिस्क्रिप्शन देने के लिए. अपोस्ट्रोफी, ओ डेथ, व्हाई इज दाय स्टिंग, वेयर इज दाय स्टिंग. एन अपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट, और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया. दिस फिगर इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ पर्सोनिफिकेशन. सो अपोस्ट्रोफी कम्स फ्रॉम पर्सोनिफिकेशन इटसेल्फ. See the line which reads, oh stars and clouds and winds, ye are all about to mock me. क्या हो रहा है? Star, cloud और wind को poet क्या कह रहे हैं? Poet का ये कहना है कि they are all about to mock me. हंसता कौन है? हम ही तो हंसते ना, एक दूसरे पे मजाक बनाते हैं. If ye really pity me, crush sensation and memory. Let me become as naught, but if not, depart, depart and leave me in darkness. So what is happening? The poet is expressing grief, अपना बता रहे feeling, और stars, clouds और winds को उन्होंने personify यहाँ पे कर दिया है, and this is how it is marked. Okay? Metaphor. A metaphor is an implied simile. So metaphor और simile में हम बहुत confused हो जाते हैं. It does not like the simile state that one thing is like another or act as another, but takes that for granted and proceeds as if the two things were one. यहाँ पे दो चीजों को एक जैसा मान के चल देते हैं. ठीक है, यहाँ पे as wise as का यूज नहीं होगा, so का यूज नहीं होगा. मेटाफर में हम सिंपली ये कंसिडर कर लेते हैं, दो चीजें एक जैसी ही हैं. ठीक है, the camel is a ship of the desert. ठीक है, शिप कहाँ चलता है? शिप पानी में चलता है, ऑफ कोर्स. कैमल कहाँ होता है? डेजर्ट में होता है. बट यहाँ कैमल और शिप को एक जैसा ही ट्रीट कर रहे हैं, और उसको शिप के साथ में कंपेयर करके बोल दिया, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट. नोट, एवरी सिमिली कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ मेटाफर एंड एवरी मेटाफर कैन बी एक्सपैंडेड इनटू अ सिमिली. दस इंस्टेड ऑफ सेइंग आकाश फॉट लाइक अ लायन, विच इज अ सिमिली, वी कैन से आकाश वॉज अ लायन इन द फाइट. इट इज जस्ट दैट कि जैसे आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि हम जब मेटाफर में चेंज करते हैं तो वो थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है. ठीक है, सो यू प्ले विथ द वर्ड. रिपिटिशन, रिपिटिशन आप सबको पता है रिपिटिशन की मीनिंग क्या होती है. कोई भी चीज बार बार बोलना या करना इज कॉल्ड रिपिटिशन. सो डेफिनेशन, वेयर अ स्पेसिफिक वर्ड, फ्रेज और स्ट्रक्चर इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स, यूजुअली इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू एम्फसाइज अ पर्टिकुलर आइडिया. रिपिटिशन का पर्पज क्या होता है? रिपिटिशन का पर्पज जनरल लाइफ में भी अगर आप देखोगे तो क्या करता है, रिपिटिशन मेक्स योर थिंग्स परफेक्ट. प्रैक्टिस करने बोलते हैं ना, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस इज वॉट? यू आर रिपीटेडली डूइंग समथिंग, है ना, यही तो करते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है कि व्हेन अ स्पेसिफिक वर्ड, फ्रेज और स्ट्रक्चर को बार बार रिपीट किया जाता है, ठीक है, टू एम्फसाइज अ पर्टिकुलर आइडिया, सो दैट फिगर ऑफ स्पीच गेट्स द नेम ऑफ रिपीटिशन. यूज दिस लिटरेरी डिवाइस टू मेक समथिंग इंपॉर्टेंट स्टैंड आउट. जैसे द बिग सेल, द बिग सेल, द बिग सेल, या फिर द बिग बिग सेल एंड फ्राइडे. बट आई डिडंट नो दैट डिनर वॉज सो गुड, इट वॉज सो गुड, आई वॉन्ट मोर मोर मोर, इजंट इट. सो यहाँ पे रिपिटिशन है, रिपिटिशन ही रिपिटिशन दिखेगा आपको. दिस वन इज रिपीटेड, दिस वन इज रिपीटेड, एंड एट द एंड दिस इज ऑल्सो रिपीटेड. सो दिस इज जस्ट टू पुट स्ट्रेस ऑन द आइडिया इन ऑर्डर टू मेक इट इम्पॉर्टेंट एंड स्टैंड आउट. ठीक है,
Okay, so here we come to this part. My mother at 66. So इसके पहले कि मैं ये start करूँ, I have a few questions for you. आप मुझे question का answer देंगे, then only I'll move further. So what is a simile? मेरे chat box में आप लिखेंगे simile क्या है. I'm waiting. Okay. My mother at 60 by Kamala Das. ये Indian fame की writer हैं और इनके writings बहुत ही famous, बहुत ही popular रहे हैं. ठीक है, this is Kamala Das on your screen. This is how Kamala Das looks. And her full name was, originally she was called Kamala Suraya. Born Kamala 31st March 1934 32 31st May 2009. So that was for the period she was there with us. Also known by her one-time pen name Madhavi Kutty and Kamala Das. And then she grew more popular as Kamala Das. She was an Indian English poet and literator, and at the same time a leading Malayalam author from Kerala, India. So this is a small description of when she was born and what she was called and her forte, the language in which she was writing. Her works, 1982, Ente Katha, autobiography, that is her autobiography. 87, Balikala, Samaran Kala, Maran Kal, Childhood Memories. And then you have her next work. So these are all taken from her native language. And then here we come to the poem that we are going to cover today. That is 1999, her poem My Mother at 66 was released. These are the cover page of her book. And let's see the awards and other recognition she's got. Like I told you, she was a very famous writer of Indian literature field. So she was nominated and shortlisted for Nobel Prize for Literature in 1984. Then she got award for Award of Asian Pen Anthology, Kerala Sahitya Academy Award, Sahitya Academy Award, Asian Poetry Prize, Kent Award for English Writing from Asian Countries, Weiler Award, Honorary D.Lit by University of Calicut, Mutatu Varke Award, and then here we have Ezu Thachan Puraskaram. So these were the prizes and recognitions that she had got. My Mother at 66 poem. What is she trying to tell through this poem? Through her poem, My Mother at 66, she portrays her sudden realization that her mother has grown old and may pass away anytime. So this is what the poem is about. The poet's realization that the mother is 66 years old, and since she is old, she may leave the poet anytime. So what is the form? The form is free verse confessional poem. It doesn't have a set rhyme scheme. It will not have, and it is poet's confession. Ye Kamala Das ka confession hai, what she is feeling about a particular thing. Yahan pe she is feeling how old her mother has grown up and what may happen. Theme. Okay. Theme is aging, separation, and filial love. What are the literary devices used here? We've used contrast, personification, repetition, and simile. हमने ये सारे डिवाइसेस के बारे में बात कर लिए हैं. तो कंट्रास्ट वुड बी रिप्रेजेंटेड इन द लाइन द ओल्ड एज ऑफ द मदर वर्सेस द वाइटैलिटी ऑफ द यंग ट्रीज एंड चिल्ड्रन. पर्सोनिफिकेशन यंग ट्रीज स्प्रिंग. सिमिली एज ओल्ड एज शी लुक्ड एज अ लेट विंटर स्नो. रिपीटिशन एंड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. दीज आर द लिटरेरी डिवाइसेस. बेटा ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे. सो व्हेन आई विल हैव मैराथन विद यू
जब मैराथन करेंगे हम, तो ये सारे क्वेश्चंस मैं दूंगी आपको विद इन अ स्पैन ऑफ 1 आवर. जो भी मैंने आपको पढ़ाया है यू विल हैव टू डील विद देम इन लाइव मैराथन क्लास. सो बी रेडी. ऐसे नहीं होगा दैट आई एम टॉकिंग, यू आर लिसनिंग एंड यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग. दैट वुडंट हैपन. की पॉइंट्स. Key points here are: driving from her parents' house in Cochin the previous Friday evening, the poet saw her mother beside her doze off with an open mouth. She felt like her mother's grey face resembled a dead body. She wanted to put that thought away and looked outside the car window. Young trees appeared to be running in the opposite direction and happy children were spilling out of their homes. At the airport's security check, she looked at her mother standing at a distance and she thought she resembled a pale winter's moon. She felt her old childhood's fear of separation, but all she said was, "See you soon, Amma," and she could do was smile and smile and smile. So these are the main points, and this is what the poem is about, that the poet is driving from her parents' house in Cochin. And the mother is next to her. She saw her mother had slept off. सो गई थी वो, उनका मुंह खुला हुआ था और अपनी मदर के ग्रे फेस को देखे, रिंकली फेस को देख के उसको ऐसे लग रहा था एज इफ द मदर इज रिसेम्बलिंग अ डेड बॉडी, विच गॉट हर स्केर्ड. कमला दास गॉट स्केर्ड लुकिंग एट हर मदर्स फेस. She wanted to look away. She wanted to get rid of the thought. जो अभी एक scary सा thought आया था उसके अंदर, she wanted to get rid of that, but it was not happening. Everything which was there, जो भी चीजें वहां पे थी, it was reminding her, and that way she was doing a comparison of what the mother was looking and how nature and things outside were contrasting with the mother and her age. So young trees, they appeared to be running in opposite direction. There were happy children who were coming out of their house. At the security check also, she looked at her mother from distance and it appeared that the mother was looking like a pale, tired winter's moon. जो ठंडी के मौसम में जो moon होता है, जो dull सा होता है, fog के पीछे, mist के पीछे छिपा हुआ होता है, वैसे वो लग रही थी, dull सी. एंड उसको जो बचपन में फियर होता था अपनी मम्मी से अलग हो जाने का, द सेम थिंग वॉज देयर, बट शी डिड नॉट वॉन्ट टू शो इट थ्रू हर एक्सप्रेशन, बिकॉज मदर वॉज आर वेरी गुड एट रीडिंग द चाइल्ड्स एक्सप्रेशन एंड दैट वुड हैव कॉज्ड हर वरीज. सो शी स्माइल स्माइल एंड स्माइल. सो कमला दास अपनी मदर को देख के शी स्माइल्स एंड सेज बाय अमो. Okay, that will be all for today, beta. It was wonderful interacting with you, and I hope you've understood whatever I taught today. Okay, I'll see you tomorrow, and don't forget to subscribe, like, and share. आज का जो हमारा discussion है, that we will continue tomorrow, and do take care of yourself. Thank you so much. Bye.